स्वागत है आपका ब्रेक के बाद मौर में। और सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। दो टॉपर भी हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद हैं। श्वेता शुक्ला जी हैं, ये डीएवी के स्टूडेंट हैं, और अवध कपूर जी हैं, ये संत माइकल के स्टूडेंट हैं। श्वेता जी, अब आपसे हमारा सवाल होगा, किस तरह की तैयारी की, घर से किस तरह का सपोर्ट मिला? सबसे पहले तो मैं मम्मी पापा को थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि उनका इंकरेजमेंट और अपने फैमिली के सपोर्ट के बिना मैं ये नहीं कर पाती। और मेहनत का जहाँ तक बात है, तो सबसे पहले मैं मेहनत पे स्ट्रेस करना चाहूँगी, क्योंकि विदाउट हार्ड वर्किंग यू कैन नेवर अचीव योर सक्सेस। सबसे पहले हार्ड वर्किंग होना चाहिए एंड ट्रूली डिवोटेड टुवर्ड्स स्टडीज। स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि विदाउट दैट यू कैन नॉट अचीव योर गोल। और दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि भगवान का आशीर्वाद भी बहुत मायने रखता है। चलिए, बहुत बढ़िया। और एक कॉलर हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं, आनंद जी हैं पटना से। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोरे टीवी में, बोला जाए। पटना में प्लस टू के लिए बेस्ट कोचिंग क्या है? प्लस टू के लिए बेस्ट कोचिंग, चलिए ये तो, जो अभी हमारे साथ दो सफल छात्र हैं ये तो कह रहे हैं कि ट्यूशन और कोचिंग पर बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन चलिए इनसे हम जान लेने की कोशिश करेंगे कि प्लस टू के लिए बेस्ट कोचिंग क्या है। बेस्ट कोचिंग जैसा तो ऐसा कुछ होता नहीं है। कहीं आपको मैथ्स अच्छी मिलेगी, कहीं फिजिक्स अच्छी मिलेगी, कहीं केमिस्ट्री अच्छी मिलेगी। बेस्ट कोचिंग जैसा तो आप कहीं कुछ कह नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है, एक स्टैंडर्डाइज्ड कोचिंग आप ले सकते हैं कुछ अच्छे टीचर से, कुछ नामी टीचर से, और उसके बाद आपकी अपनी तो हार्डवर्क तो जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद जी मोर टीवी में फोन करने के लिए और ये सवाल पूछने के लिए। तो श्वेता जी ने सबसे पहले अपने माँ बाप को धन्यवाद दिया है, निश्चित तौर पर वो सपोर्ट तो होना चाहिए। जब परिणाम की जानकारी आपको मिली, जब पता चला कि रिजल्ट आ गए हैं, मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था। मुझे लग रहा था 87 तक आएगा, लेकिन चलिए आपके लिए अवध जी, क्या आपके लिए भी शॉकिंग रहा? शॉकिंग तो नहीं, थोड़ा एक्सपेक्ट तो था कि इस रेंज में मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन बोर्ड्स की मार्किंग पे आप कुछ कह नहीं सकते, क्या एक्सपेक्टेशन हो, आप क्या कर रहे हैं एक्सपेक्ट और कैसा मार्किंग हो जाए, तो उस हिसाब से एक वो उस एक्सपेक्टेशन में मार्क्स आना काफी रिलैक्स एक फीलिंग आई थी कि चलो इतना मार्क्स आ गया, दैट इज गुड इनफ, 90% इज ऑलवेज गुड इनफ, और फिर एक अच्छे कॉलेज में हो जाए, व्हाट एल्स यू नीड। आगे की क्या योजना है? आगे की योजना यह है कि कुछ कॉम्पिटिशन्स मेरे क्लियर हो गए हैं, तो उनमें रैंक्स भी ठीक ठाक आई हैं, तो इंजीनियरिंग लेने की सोचा है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। मणिपाल यूनिवर्सिटी मेरा क्लियर हो गया, तो वहीं से सोचा हुआ है अभी। अच्छा, आपकी श्वेता जी दिया लॉ है, तो उसका रिजल्ट 28 को रिलीज होगा, तो उस पर डिपेंड करता है कि मैं आगे क्या ऑप्ट करने वाली हूँ। तो मतलब आप लॉ की पढ़ाई करना चाह रहे हैं? हाँ, लॉ करना चाहती हूँ। चलिए, बहुत कम लोग इस तरह की बात करते हैं। आप देखिए कि ज्यादातर लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल और फिर यूपीएससी बीपीएससी के चक्कर में लगते हैं। कुछ संख्या कम जरूर होती है जो फील्ड आपने चुना है, कब से मन में ये विचार आया और परिवार वालों का कितना सपोर्ट मिला इसमें? जब मैं 10th में थी, अंकल ने मुझे बताया कि क्लैट बहुत ही रेपुटेड आजकल जॉब हो चुका है, क्लैट लॉ करना, तो मैंने सोचा कि ये बेहतर रहेगा, क्योंकि थोड़ा ये हटके है, ट्रेडिशनल लॉम्स नहीं है कि इंजीनियरिंग मेडिकल, तो मैंने सोचा ये थोड़ा हटके रहेगा, तो मैंने इसी के लिए ऑप्ट किया। चलिए, विकास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कॉलर हैं पटना से। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोरे टीवी में, बोला जाए। प्लस टू में तैयारी कैसे करें जिससे अच्छी परसेंटेज है? साइंस या आर्ट्स? विकास जी, साइंस या आर्ट्स? साइंस। प्लस टू में कैसे करें साइंस की तैयारी, आप बताइएगा अवध जी। देखिए, प्लस टू में सबसे पहले तो आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। विदाउट अ टाइम टेबल आप बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। एंड स्पेशली आपको ध्यान रखना चाहिए एट अ टाइम आप एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करें। आजकल का ट्रेंड हो गया है आईआईटी और बोर्ड्स, सब साथ साथ करना चाहते हैं, सबको एकदम जल्दी है करने की, लेकिन उसमें मेरा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप दो चीजें एक साथ करेंगे आपको प्रॉब्लम आएगी। बेटर है एट अ टाइम आप एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करें, आप बोर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करें, पहले उनमें अच्छा मार्क्स लाएं, फिर उसके बाद आप एक साल ड्रॉप करें, अच्छे से आईआईटी की तैयारी करें, एंड देन यू गो फॉर आईआईटी। तो अच्छे से तैयारी करें और दो नाव पर एक साथ पैर न, बिल्कुल यही ना जी, पहले प्लस टू की तैयारी कर लें फिर आईआईटी की तैयारी में जुड़े। चलिए, आपसे जाना चाहेंगे श्वेता जी, कैसे करें तैयारी? मैं भी ये कहना चाहूंगी कि दोनों पे पैर न रखें, पहले बोर्ड्स पे पूरा फोकस करें, क्योंकि संकल्प करने से होता है, विकल्प रखने से नहीं, तो ज्यादातर बोर्ड्स पे फोकस करें और मेहनत तो सबसे पहले करें और टाइम टेबल फिक्स हो। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, भारती जी हैं पटना से। भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोरिटी में, बोला जाए। पहले तो मैं दोनों छात्रों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मैं श्वेता से पूछना चाहती हूँ, उन्होंने कला विषय ही क्यों लिया, जबकि सभी छात्रों का रुझान साइंस में है, उन्होंने कला क्यों लिया, वो सभी छात्रों को भी बताए। चलिए, आपका सवाल श्वेता जी तक मैं पहुंचा देता हूं। भारती जी हैं, ये श्वेता जी से जानना चाहती हैं कि आपने आर्ट्स को ही क्यों चुना, आजकल ज्यादातर छात्रों का रुझान साइंस की तरफ हो रहा है।
क्योंकि मैं आर्ट्स का जो भी बढ़ता रुझान है वो मैं समझ रही हूँ. आर्ट्स बहुत ही अच्छा पेपर है. लोग उसको भले ही रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, लोग सोचते हैं इंजीनियरिंग एंड मेडिकल इज ऑल थिंग, लेकिन आर्ट्स से भी बहुत कुछ किया सकता है. जैसे कि आप ग्रेजुएशन में फिर ऑप्ट कर सकते हैं आर्ट्स पेपर, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जो कि IAS के लिए बहुत ही हेल्पफुल भी रहेगा. तो आर्ट्स में समझ से बहुत अच्छा है, इससे बहुत सारे रेप्यूटेड जॉब्स भी मिलेंगे आपको, आपके करियर में बहुत ही हेल्प करेगा आगे. जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारती जी, मोर टीवी में फोन करने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए. आर्ट्स का भी अपना एक स्कोप है, एक बहुत बड़ा फील्ड है और निश्चित तौर पर इस तरह से चीजों को नहीं बांटा जा सकता. अपनी अपनी रुचि के हिसाब से पढ़ें, जिसमें रुचि हो वही पढ़ें, और कोई ऐसा विषय नहीं है जो आपको तरक्की की ऊंचाई तक न पहुंचा दे. निश्चित तौर पर ये जवाब आपका बहुत अच्छा रहा श्वेता जी. और अवध जी, आपने बताया कि इसके बाद आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, अपने जो साथी हैं आपके जो शायद बहुत अच्छा मार्क्स नहीं ला सके हैं या जो शायद सफल नहीं हो पाए हों, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, दुखी होने वाली तो बात नहीं है, लाइफ में दोबारा मौके मिलते हैं. और ठीक है, बोर्ड का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आप आगे कॉम्पिटिशन्स पे ध्यान दें, एक साल ड्रॉप करें, अच्छे से कॉम्पिटिशन्स पे ध्यान दें, AIEEE में अच्छे मार्क्स लाएं, आपको जरूर अच्छा कॉलेज मिलेगा. बाकी बोर्ड्स की परसेंटेज तो अब जो रिजल्ट आया है उसके साथ तो रहना ही है. एक विफलता बस ये सिखाती है कि हमें पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ना होगा और तब जाके एक अच्छी सफलता की खुशी मनानी होगी. रंजीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से. रंजीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी टीम में, बोला जाए. मैं टेंथ हूँ और मैं थोड़ा मेरा कमजोर है, कुछ टिप्स मतलब बताए जो मैथ में अच्छा हो जाए. मैथ कमजोर है आपका, चलिए तो ये तो अवध कपूर जी बताएंगे, साइंस के स्टूडेंट हैं और मैथ्स तो आपका सब्जेक्ट रहा है. अवध जी, रंजीत जी गणित में थोड़े कमजोर हैं, कैसे उसे ठीक करेंगे? देखिए, मैथ्स में तो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप कंसेप्ट्स पे ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान दें, लेकिन कंसेप्ट से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से आपको कंसेप्ट भी डेवलप होएगा और साथ साथ आपके क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस भी होगी. और बोर्ड के लिए तो सबसे अच्छी बात बोर्ड में यही है कि आपके पास एक लिमिटेड कोर्स है, और बाकी कॉम्पिटिशन्स की तरह नहीं कि आपको नहीं पता होता क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला. बोर्ड में आपके पास एक लिमिटेड कोर्स है, आप NCERT को गाइडलाइन बनाए, उससे आप कंसेप्ट्स डेवलप करें, और बाकी प्रैक्टिस बुक्स हैं KC सिन्हा, RD शर्मा, इन सबसे आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना अच्छा रहेगा. मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है रंजीत जी, प्रैक्टिस करें खूब, एकदम आसान है मैथ, कोई भारी नहीं है. राहुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से. राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मोर टीम में, बोला जाए. प्लस टू में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए बेस्ट बुक क्या है? बेस्ट बुक क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ? देखिए, ये क्वेश्चन आज की डेट में हर स्टूडेंट का है, लेकिन मैं कहूंगा बेस्ट बुक आपको NCERT CBSE वालों ने बना के दी है, तो NCERT एक गाइडलाइन बना के चले. आपको 50 बुक के पीछे नहीं भागना, आप जितनी ज्यादा बुक्स के पीछे जाएंगे आपको उतनी प्रॉब्लम आएगी. एक NCERT गाइडलाइन बनाएं और साथ में एक रिफ्रेशर रखें, अब वो रिफ्रेशर कोई भी हो सकती है, प्रदीप रखें, ABC केमिस्ट्री रखें, बाकी प्रदीप आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए ही अच्छी है. तो आप NCERT को गाइडलाइन बनाएं, उसे बिल्कुल पढ़ें, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप कोई रिफ्रेशर बुक पे जाएं, प्रदीप पे जाएं. जी आपसे भी श्वेता जी अगर यही सवाल पूछें, सवाल सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ का नहीं है, तमाम विषयों का है. मैं भी ये कहना चाहूंगी कि NCERT को गाइडलाइन बनाए, NCERT प्राइम बुक है, उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे. और रिफ्रेशर्स में मैं कहना चाहूंगी टुगेदर विद बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस बुक है, और भी अरिहंत है, AC गुप्ता है, तो वो सब की किताब भी बहुत अच्छी है, वो सब आप ऑप्ट कर सकते हैं, वो प्रेफर कर सकते हैं आप. जी तो इनका कहना है कि NCERT को अपना गाइडलाइन समझें और बस उसी के रास्ते पर चलते रहें, सफलता तो निश्चित तौर पर मिलेगी. अमन हमारे साथ जुड़ गए हैं सीतामढ़ी से. अमन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी टीम में, बोला जाए. अमन जी बोला जाए. हेलो जी, अमन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है. बताइए कि सर कैसे मतलब मैथ स्ट्रांग होगा, मतलब मैथ स्ट्रांग भी है मेरा, लेकिन थोड़ा सा और मतलब स्ट्रांग करना है. जी अमन जी, सबसे पहले आप अपने घर में टीवी का वॉल्यूम कम करें, तब सवाल पूछे, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पाएगी इस तरह से आप करेंगे. तो मैथ्स को कैसे मजबूत करें? मैथ ठीक ठाक है, कमजोर नहीं है, लेकिन और बेहतर चाहते हैं अमन जी. देखिए वही है, प्रैक्टिस करें, और स्पेशली जब बोर्ड्स के जब दिन हो, बोर्ड्स जब आने वाले हो, तो एक महीना पहले और सब बुक छोड़ दें, सिर्फ आप NCERT को एक बार दो बार पूरा प्रैक्टिस कर जाएं, पूरा सॉल्व कर जाएं, आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता. तो यही है, आप NCERT बनाएं, NCERT सॉल्व करें, बाकी पूरे साल तो आपको प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस मैथ्स इज इक्वल टू प्रैक्टिस, और कुछ नहीं. मैथ्स जो है एकदम प्रैक्टिस के बराबर है. बिल्कुल, प्रैक्टिस करें, मैथ्स तैयार है. तैयार, बहुत बहुत बढ़िया जवाब है आपका निश्चित तौर पर. और प्रैक्टिस सिर्फ मैथ के लिए नहीं, प्रैक्टिस जो कोशिश है, जो प्रयास है, हर फील्ड में आदमी को सफलता दिलाती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमन जी फोन करने के लिए मोर टीवी को और ये सवाल पूछने के लिए.
श्वेता जी, सवाल बड़ा लाजमी था एक छात्र का कि आपने साइंस नहीं चुना, आर्ट्स चुना। अधिकतर लोग साइंस चुनते हैं, अभिभावकों का भी दबाव रहता है अधिकतर घरों में कि उनके बच्चे या तो इंजीनियर बने नहीं तो डॉक्टर बने। आपके घर में ऐसा कोई दबाव कभी? मेरे घर में ऐसा कभी नहीं रहा कि मैं साइंस ही ऑप्ट करूँ या फिर बायो एंड मैथ्स, क्योंकि मेरे पापा हमेशा कहते हैं जो तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम उसी को ऑप्ट करो। और मेरा इंटरेस्ट शुरू से लॉ साइड में रहा है, मेरे पापा भी लॉयर ही है और मैं भी लॉ ही करना चाहती हूँ और पापा का हेरिटेज संभालना चाहती हूँ। जी बहुत अच्छी बात है ये कि आप उस परंपरा को कायम रखना चाहती हैं जो कुल की परंपरा है, पापा चूंकि लॉयर हैं। तो दरभंगा से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पहले अपना नाम बताएं आप। जी मेरा नाम राखी है। जी राखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बोला जाए। हाँ मैं पूछना चाहती थी, आपने सेल्फ स्टडी पे ज्यादा कंसंट्रेट किया या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का हेल्प लिया? जी सेल्फ स्टडी तो बेहतर है, दोनों छात्र बता रहे हैं, लेकिन आपका सवाल इन्हीं लोगों से पूछ देते हैं, सेल्फ स्टडी या किसी कोचिंग पर भरोसा? सेल्फ स्टडी, बिल्कुल सेल्फ स्टडी। मेरे तरफ से भी सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी इज द प्राइम रीजन फॉर बीइंग अचीविंग अ सक्सेस। जी राखी जी, सेल्फ स्टडी ये लोग बता रहे हैं, आपके जो सफल दोस्त हैं ये यही बता रहे हैं कि सेल्फ स्टडी सबसे बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे टीम में फोन करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं, महबूब जी हैं दरभंगा से। महबूब जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे टीवी के स्टूडियो में, बोला जाए। जी हेलो। जी बोला जाए। हेलो, मैं दरभंगा से महबूब खान बोल रहा हूँ। जी जी, मुझे ये सवाल है ये आर्ट्स लेके पढ़ी है, ठीक है, ये टॉपर है, तो इनका स्कोप क्या है आज का, ज्यादा क्या स्कोप आता है? मैं भी एक आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मैं बी ए पार्ट टू में पढ़ता हूँ। जी तो आज का क्या स्कोप होता है फ्यूचर में, ये हम जानना चाहते हैं इनसे। जी महबूब जी, और भी कई गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, बहुत रास्ते हैं जमाने में इस साइंस के सिवा। चलिए पूछ देते हैं इन्हीं से। इनका सवाल ये है श्वेता जी की आर्ट्स का क्या स्कोप है? जैसे कि आप ट्वेल्थ के बाद क्लैट के लिए जा सकते हैं, देन आप ग्रेजुएशन में अगर आप हिस्ट्री लेते हैं तो आईएएस में बहुत हेल्पफुल रहेगा, एंड देन आप जर्नलिज्म लाइन में जा सकते हैं इंग्लिश ऑनर्स करके, फिर इकोनॉमिक्स में आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में जा सकते हैं, तो स्कोप बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, नेट कर सकते हैं, नेट तो बहुत ही आजकल जॉब, लॉयर भी है, देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, तो ये सब बहुत ही अच्छा जॉब्स है। स्कोप कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को कम नहीं आंकना चाहिए। प्रोफेसर बन सकते, प्रोफेसर भी बन सकते हैं। जी बिल्कुल जी, कई रास्ते हैं महबूब जी आर्ट्स में, और बहुत ही व्यापक क्षेत्र है, बहुत बड़ा विस्तार है आर्ट्स का। इसलिए कभी ये दिमाग में न रखें कि साइंस अगर न पढ़ सके तो हमारे पास विकल्पों की कमी है, ऐसा नहीं है, कई सारे विकल्प हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे टीवी को फोन करने के लिए। सुधांशु जी ने फोन किया है पटना से। सुधांशु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बोला जाए। इंजीनियरिंग करने के लिए दिन भर में कितने घंटे मेहनत करना चाहिए? इंजीनियरिंग करने के लिए दिन भर में कितने घंटे मेहनत करना चाहिए बताइए अवध जी। देखिए घंटों का तो कोई हिसाब ही नहीं होता, घंटे तो जितने हैं आपके लिए कम हो जाएंगे। इलेवेंथ और ट्वेल्थ ऐसी दो क्लासेस हैं, आप इंजीनियरिंग भी लेके चल रहे हैं साथ में, आप बोर्ड भी लेके चल रहे हैं, तो टाइम तो आपको जितना मिल जाए उतना कम है। लेकिन आपको ये सोच के चलना है कि आपको दोनों चीजें अगर आप साथ साथ लेके चल रहे हैं तो आपको उसे मैनेज करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि आप पूरा ही एक इंजीनियरिंग में ही चलते चले जाएं और पता चले बोर्ड्स में भी उतने मार्क्स नहीं आए कि आप इंजीनियरिंग में जा सकें। और दूसरी बात है फिर टाइम का, तो आप ये सोच के चलें चार घंटे पढ़ेंगे, चार घंटे आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको कुछ आ नहीं रहा है समझ में, लेकिन आप फिर भी बुक लेके बैठे हुए, तो वो चीज नहीं रखनी है आपको। जितना पढ़ना है आप चाहे एक घंटा पढ़ें लेकिन अच्छे पढ़ें। जी दोनों टॉपर बने रहेंगे हमारे साथ, देते रहेंगे आपके सवालों का जवाब। आप भी बने रहिए मौर्य के साथ, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अमेरिका जो अपने टेक्नोलॉजी अपने इनोवेशंस के लिए विश्वविख्यात है, लेकिन वहाँ के लोगों ने